हेलो एंड वेलकम टू जी पैट डिस्कशन। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है पेनक्रियास। ठीक है, तो ओरल कैविटी से खाना जो है आपका निकल के आपका जो है खाना ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक के बाद में अगला पार्ट जो है आपका डियोडेनम में जाता है। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना जो है क्या हो रहा है, अब पास हो रहा है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। ये सी शेप का आपका यहाँ पर जो रहता है, क्या रहता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है ग्लैंड की, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास जो है ये आपका ग्लैंड है जो मेनली क्या करता है, अपना पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा, जो मैक्सिमम फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी आपका मुंह में स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ था, पेट में प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ये भी डाइपेप्टाइड और आपका पॉलीपेप्टाइड चेन्स वगैरह बने थे, छोटे छोटे पेप्टाइड चेन्स वगैरह बने थे, जिनको कंप्लीट डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास की बात करते हैं तो पेनक्रियास जो है ये नॉर्मली दो फंक्शन करता है। पेनक्रियास के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं इनके पास में दो टाइप के सेल हैं। एक सेल जो है ये क्या है, यह आपका एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब ये क्या करते हैं, हार्मोन को सीक्रेट करने का। हार्मोन जो है कौन कौन से, तो भाई आपका इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक, और पेनक्रियाटिक के जो है आपके यहाँ पर और एकाद छोटे मोटे जो है जो सीक्रिशन को स्टिमुलेट करने वाला जो है आपका एंटीरोकाइनेस को स्टिमुलेट करने वाले जो है वो जो है क्या होते हैं, हार्मोन पेनक्रियास के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है पेनक्रियाटिक का वह पार्ट जो आपका क्या कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ये जो है कौन सा होता है, तो ये होते हैं आपके पेनक्रियाटिक आइलेट्स। क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, यानी कि ये जो है छोटे छोटे आपके ग्लैंडुलर सेल्स जो है ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, जैसे समुद्र के बीच में टापू, वैसे ये जो है क्या है, ये इस प्रकार से आपके आइलेट्स पाए जाते हैं जो क्या है यहाँ पर एंडोक्राइनल फंक्शन कर रहे हैं। इस आइलेट के अंदर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, दो प्रकार के सेल्स हैं, एक अल्फा सेल्स है, दूसरा है आपका बीटा सेल्स है, और इनके अलावा जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो क्या है, एसिनार सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर छोटे छोटे अल्फा और बीटा सेल्स और जो डक्ट से आपका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है ये कौन से सेल्स होते हैं, ये एसिनार सेल्स हैं। ठीक, इनके द्वारा जो है क्या हो रहा है, एसिनार सेल के द्वारा आपका डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन हो रहा है। ठीक, चलिए अल्फा सेल जो है इसका काम क्या है, तो अल्फा सेल जो है ये आपका ग्लूकागॉन का सीक्रेशन करता है। ग्लूकागॉन जो क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने वाला। इसी का जस्ट ऑपोजिट काम करने वाला जो सेल होता है वो है बीटा सेल, जो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम क्या है, तो ये इंसुलिन हार्मोन ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्पनसेटरी हैं। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम, इस प्रकार से बॉडी में जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म है या ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंट्रोल करने वाले कौन है, ये दोनों सेल्स हैं। ठीक है, ग्लूकोज की कमी हो गई तो अल्फा सेल काम करने लगेगा, ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, बीटा सेल काम करेगा, इंसुलिन को सिक्रीट करके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। ठीक है, हाँ, यहां पर डायबिटीज की बीमारी आपने सुना होगा, तो डायबिटीज किसकी वजह से होता है, वो यही बीटा सेल जो होते हैं क्या होते हैं आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसमें खुद के सेल जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें खुद के सेल जो है बीटा सेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब बीटा सेल नहीं होगा तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक, तो पेनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन में इंसुलिन और ग्लूकागन, अल्फा सेल जो है ये क्या करता है, ग्लूकागन बनाता है, और बीटा सेल जो है ये क्या कर रहा है, आपका इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहा है। ठीक, हाँ, अब एंडोक्राइन के अलावा दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पेनक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन जो ये क्या है, तो ये आपका स्टमक है, स्टमक पार्ट ये है, इसी के जस्ट पीछे तरफ में, कहां पर, ये मान लीजिए आपका स्टमक है तो स्टमक के पीछे में जो है ये क्या होता है आपका यहां पर पेनक्रियास डियोडेनम से पास होके, देखिए ये क्या है, डियोडेनम है, इसी से ये क्या हो रहा है, निकल के इसके ऊपर में स्टमक होता है और इसके पीछे में क्या होता है, स्प्लीन पाया जाता है।
ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये आपकी लोकेशन ऑफ पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास लोकेटेड इन एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक एंड इट फंक्शन एज अ ग्लैंड। ग्लैंड में भी दोनों, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। देखिए, तो ये है आपका स्टमक, और स्टमक के पीछे जो है आपका क्या है, ये पेनक्रियास है। डियोडेनम के पास से आपका यहां पर ये जो है क्या हो रहा है, पीछे में यहां पर ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए अभी लंबाई चौड़ाई गहराई, तो भैया ये जो है कितना है, ये लगभग आपका 15 to 20 सेंटीमीटर लंबा है, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, और 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर ये कैसा होता है, थिक होता है। ठीक, अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये कैसा है, 90 ग्राम के अप्रोक्सीमेट इसका वजन है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो पीएच जो है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली पीएच जो है आपका यहां पर बेसिक पीएच रहेगा 5 to 7 के बीच में रहता है ना। तो बेसिक पीएच जो है मोस्ट कॉमनली किसमें, पेनक्रियाज में। तो स्टमक के अंदर में क्या था, एसिडिक पीएच, और यहां पर जो है क्या है, बेसिक पीएच। बेसिक पीएच क्यों चाहिए, तो भाई सर यहां पर क्या है, तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो बेसिक पीएच में ही एक्टिवेट होते हैं। जैसे स्टमक के जितने एंजाइम थे कैसे थे, वे सारे के सारे आपके एसिडिक पीएच में एक्टिवेट हुए थे, यहां वाले जो है सारे के सारे बेसिक पीएच में होते हैं, इसलिए यहां बेसिक पीएच पाए जाते हैं। ठीक, तो हम पेनक्रियास का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेनक्रियास में आपका देखिए आर्टरी जो आपकी यहां से जा रही है कौन सी है, स्प्लीनिक आर्टरी। ये स्प्लीन को तो ब्लड सप्लाई करती है, साथ में ये क्या करती है, पेनक्रियास में भी इसकी पूरी लंबाई में ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक, पेनक्रियास यहां पर दो पार्ट, एक आइलेट्स पार्ट है जो क्या कर रहा है आपका यहां पर एंडोक्राइनल फंक्शन, बाकी एसिनार सेल्स जो है ये आपका क्या कर रहे हैं, ये डाइजेस्टिव फंक्शन कर रहे हैं। ये पेनक्रियास की ओपनिंग जो है ये किस में खुलती है, तो ये आपका डियोडेनम के अंदर में खुल रही है। पेनक्रियास के साथ में एक और डक्ट आके जुड़ता है, ये डक्ट कौन सा है, ये है बाइल डक्ट, जो कि लीवर से आ रहा है, और लीवर से आने के बाद जो है ये क्या होता है, ये आपका जी सीधा किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेनक्रियास, हाँ जी, तो हमने बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों कर रहा है। तो एंडोक्राइन फंक्शन में हमने बताया ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए आपका हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है ना। ये सेल के अंदर में क्या करता है, तो सेल के अंदर में आपका ग्लूकोज की एंट्री को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बाहर से ग्लूकोज कहां जाएगा, सेल के अंदर, तो बाहर में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, जस्ट ऑपोजिट एक्शन जो है ग्लूकागॉन जो क्या कर रहा है, तो ग्लूकागॉन इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड लेवल, ब्लड शुगर लेवल। ठीक, ये बाकी सब जगह से तोड़ तोड़ के क्या करेंगे, ग्लूकोज को बनाने का काम चालू करते हैं। ठीक, और क्या है, तो सोमैटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स जो है ये लोकल एक्टिंग हॉर्मोन है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, वहीं लोकल एक्शन करेंगे, और लोकल एक्शन करके क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं फॉर डाइजेशन। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं, तो यहां पर पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये क्या होता है, डियोडेनम के अंदर में पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, ये जितने भी आपके एसिनार सेल्स हैं इन्होंने क्या किया, सिक्रेटरी फंक्शन के थ्रू सारे के सारे जो है यहां पर क्या किए, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए, और ये डक्ट के थ्रू होता हुआ क्या होता है, ये आपका सीधा डियोडेनम के अंदर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, डियोडेनम के अंदर में ये आपका सीक्रेट कर दिया जाएगा। ठीक, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो इनके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो होते हैं, इन सभी को डाइजेस्ट करने के सारे एंजाइम कहां पर, पेनक्रियास के अंदर में ही सीक्रेट किए जाते हैं। पेनक्रियास के अंदर में एक चीज और पाई जाती है, वो होती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, तो देखिए स्टमक से क्या हो रहा है, आपका एसिड का काइम आ रहा है, क्या रहा है, तो देखिए माउथ में क्या था, माउथ के अंदर में जो खाना सलाइवा के साथ मिलता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है।
ठीक। माउथ के बाद स्टमक आया, स्टमक के अंदर ये क्या हो जाता है, ये आपका काइम हो जाता है, क्या कहलाता है, काइम, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो है ये क्या हो जाता है, ये आपका काइल कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो जब ये काइम आपका जो है ये क्या हुआ, तो जब चर्निंग मूवमेंट हुआ, चर्निंग के कारण क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल चारों तरफ एसिड है, तो इनमें क्या हुआ, जितना भी एंजाइम पेप्सिनोजन वगैरह थे, इनएक्टिव एंजाइम, इससे चिपके और इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, बाकी सब चीजों को डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन अब ये जो है काइम जो बचा है ये कैसा है, एसिडिक है। जब ये डियोडिनम के अंदर में आता है, यहां से स्टमक से निकल के डियोडिनम में आएगा, तो ये कैसा रहेगा, एसिडिक। तो यहां पर जितने भी एंजाइम वो क्या करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम जो है करता है, बाइकार्बोनेट करता है, जो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, ठीक। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करना जो डियोडिनम में घुस रहा है स्टमक से, ठीक। दूसरा, इसका पहला काम तो हो गया जी, दूसरा फंक्शन हो गया, जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सबको जो है ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, इसको एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है, ये आपका बाइकार्बोनेट यानी न्यूट्रल बेसिक मीडियम जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक। तो पेनक्रियास को जब हम और अच्छे से देखते हैं, तो पेनक्रियास जो है, हाँ, ये चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक। सबसे किनारे वाला पार्ट जो किनारे किनारे में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टेल ऑफ पेनक्रियास बोला जाता है। मेन जो पार्ट है जहां पर आपका सारा का सारा एंजाइम सीक्रेशन वगैरह हो रहा है, एंडोक्राइनल फंक्शन वगैरह, ये क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, ठीक। हाँ, यहां पर जो है क्या होता है, एक छोटा सा नॉच पाया जाता है, और ये नॉच जो है ये क्या करता है, इस हेड पोर्शन को यानी कि सेंटर में जो है ये सर के जैसा दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है किसी का सर है, ठीक। तो ये जो है क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियास को क्या कर रहा है, ये सल्कस या नॉच जो है ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है बॉडी से। दूसरा, तीसरा, चौथा जो चीज होता है वो क्या होता है, नेक पोर्शन है, ये नेक पोर्शन जो है आपका, ये वाला नेक पोर्शन, ठीक है, ये नेक पोर्शन जो है क्या है, तो ये हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट है जो बॉडी और हेड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक। तो ये हेड पोर्शन, बॉडी पोर्शन एंड टेल पोर्शन, इस प्रकार से पेनक्रियास को जब हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, हेड जो है बड़ा होता है, और ये जो है डियोडिनम की जो कॉनकेविटी है, ये देखिए घुमावदार है डियोडिनम, तो जैसा घुमा हुआ है वैसी जगह पे पूरा भरा हुआ जो रहता है, फिल्ड बॉल के जैसा जो आपका है, वो क्या है, ये आपका हेड पोर्शन है, ठीक। हाँ, टेल जो है ये क्या होता है, तो ये आपका जहां पर स्प्लीन होता है ना, जस्ट इसके पीछे में क्या है, स्प्लीन है, क्या है, यहां पर स्प्लीन है, तो ये स्प्लीन का जो हाइलम है, यानी जहां पर क्या हो रहा है, स्प्लीन में आर्टरीज एंटर कर रही है, स्प्लीनिक आर्टरी हमने देखा था ना, ये स्प्लीन में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो जहां से एंटर करती है वो क्या कहलाता है, हाइलम। तो ये टेल जो है क्या हो रही है, ये इसके हाइलम तक एक्सटेंडेड है, ये देखिए यहां पर, तो ये क्या हुआ, ये हेड पोर्शन और ये जो है टेल, इसके हाइलम तक एक्सटेंडेड हमको देखने को मिलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आपका एंटायर ऑर्गन जो है ये आपका स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये जो है लेसर सैक जो है आपका यहाँ पर स्टमक का नीचे वाला पार्ट जो होता है, इससे क्या होता है, ये आपका सेपरेटेड पाया जाता है, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम लेसर सैक। स्टमक की, पेनक्रियास की बात करते हैं, तो पेनक्रियास जो है क्या होते हैं, बाहर से देखने से लोब्यूल्स के रूप में, ऐसे उभार उभार के रूप में हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पेनक्रियास में डक्ट कौन कौन से हैं। तो मेनली अगर हम पेनक्रियास की बात करते हैं, तो इसमें एक जो डक्ट होता है, ये मेन डक्ट होता है जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, इस मेन डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विर्सम, क्या बोला जाता है, डक्ट ऑफ विर्सम बोला जाता है। और वहीं पर इसके अलावा और भी एसेसरी डक्ट, एक और डक्ट है जो क्या कर रहा है, ये आपका यहां पर खुल रहा है, इसको क्या बोला जाता है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, कौन सा, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो मेन डक्ट जो सब जगह से, लोब्यूल, लोब्यूल हमने बोला ना, ये लॉक्यूलर या लोब्यूलर होता है, हर लोब्यूल में एसिनाइज होती है, ये एसिनाइज जो है क्या करती है, सीक्रीशन को छोटे छोटे डक्ट के थ्रू भेजती है, और ये डक्ट कंबाइन होके मेन डक्ट से होता हुआ क्या करता है, डियोडिनम के अंदर खुलता है, ठीक है। तो ये जो मेन डक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विर्सम बोले जाते हैं, ठीक।
इट लाइज ऑन नियर द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ पेनक्रियास एंड रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाय इट्स वाइट कलर। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसको कट करेंगे, सेक्शन करते हैं तो ये जो है कैसा है, सफेद रंग का आपको सेंटर में जो है पोस्टीरियरली सर्फेस में आपको यहाँ पर दिखाई देता है, पोस्टीरियर सर्फेस में दिखेगा। ठीक, हाँ, यानी कि ये देखिए सामने वाला एंटीरियर सर्फेस है पेनक्रियास को, तो पीछे वाले सर्फेस में से क्या होता है, ये पीछे तरफ से आपका पोस्टीरियर सर्फेस के पास से ये पूरा का पूरा कलेक्ट करके व्हाइट कलर का डक्ट निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, हाँ, पेनक्रियास के हेड के अंदर में मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक, विद इन द हेड ऑफ पेनक्रियास ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये क्या होता है, बाइल डक्ट के साथ में क्या करता है, एसोसिएट करता है। देखिए यहां पर क्या है, तो मान लीजिए ये आपका पेनक्रियास है, सॉरी लीवर है, क्या है, लीवर है। ठीक, अब लीवर में जो है ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, क्या है, गॉल ब्लैडर। तो लीवर से निकलने वाला डक्ट, ठीक है, लीवर से निकलने वाला हिपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं, और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है ये आपका गॉल ब्लैडर डक्ट से मिलके ये क्या करते हैं, ये आगे जाएंगे, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पहले लीवर के राइट एंड लेफ्ट डक्ट, फिर गॉल ब्लैडर का डक्ट। ठीक है, ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये राइट, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों ने मिलके क्या किया, यहां पर कॉमन बाइल डक्ट बनाया। ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट जो है इसके साथ क्या करता है, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, है ना। हाँ भाई, ये क्या है, ये आपका मान लीजिए लीवर है, लीवर में राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं, तो राइट लोब से निकलने वाला डक्ट राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट से निकलने वाला लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक, हाँ, यहां पर क्या होता है, गॉल ब्लैडर भी अटैच पाया जाता है, तो ये गॉल ब्लैडर से निकलने वाला डक्ट क्या कहलाता है, सिस्टिक डक्ट कहलाता है। तो ये राइट लेफ्ट और सिस्टिक डक्ट, राइट लेफ्ट मिला और मिलके जो है सिस्टिक डक्ट के साथ मिला, और इसने क्या किया, कॉमन हिपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन किया, क्या किया, ए कॉमन बाइल डक्ट। राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ने कॉमन हिपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ने कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाया। ठीक, अब कॉमन हिपेटिक डक्ट बाइल डक्ट की ओपनिंग कौन सा, सिस्टिक डक्ट जो है, सिस्टिक डक्ट के साथ मिल गया और ये कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है आपका इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद ये क्या करता है, डियोडेनम के अंदर में खुलता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक, हाँ, डक्ट के थ्रू। हिपेटो मतलब लीवर का, पेनक्रियास मतलब पेनक्रियास का डक्ट, दोनों मिलके हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जब डियोडेनम में खुलता है तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, यानी जो भी सीक्रीशन है वो आके यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर क्या पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो क्या करता है, इस एम्पुला, इसको क्या बोलते हैं, फूले हुए भाग को बोला जाता है एम्पुला बोला जाता है। ठीक है, तो इस एम्पुला के अंदर में क्या हुआ है, जो हिपेटिक डक्ट का सीक्रीशन और पेनक्रियाटिक का आके दोनों मिक्सचर जमा हो गया। ठीक, अब ये मिक्सचर जमा होके क्या होता है, यहां से डियोडेनम के अंदर खुल जा रहा है। ये जो पार्ट है एम्पुला, इसको क्या बोला जाता है, एम्पुला ऑफ वाटर बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला ऑफ वाटर। और यहां पर सामने में इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको क्या बोलता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोला जाता है, क्या बोलता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने पहला देखा मेन डक्ट, डक्ट ऑफ वेरसम, सारे सारे एसेसरी के साथ में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, दूसरा जो डक्ट है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ये स्टार्ट हो रहा है हेड के नीचे वाले पोर्शन से, कहां से, ये हेड के निचले वाले पोर्शन से यहां से स्टार्ट होगा। यहां से स्टार्ट होने के बाद ये जो आपका पेनक्रियाटिक डक्ट जो पीछे से गया ना, मेन डक्ट, इस डक्ट के सामने से क्या होता है, क्रॉस करके जाता है। जैसे ये मेन डक्ट जा रहा है तो ये नीचे से स्टार्ट होकर इसके सामने से होता हुआ क्या होगा, क्रॉस करता है। ठीक है, मेन डक्ट से क्रॉस कर रहा है और ये क्या करेगा, आगे जाके जो है डियोडेनम में जाके खुल जाता है, कौन सा, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी।
ठीक, और जहां पर खुलता है वो पार्ट क्या है, माइनर डियोडिनल पैपिला। क्या है? डियोडिनल का यानी कि डियोडिनम का छोटा सा उभार वाला भाग जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। तो माइनर डियोडिनल पैपिला में आपका ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी आके खुल गया। ठीक है, तो ये बाइल डक्ट जो ऊपर से आ रहा था, है ना, कॉमन बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट, आपका पेनक्रियाटिक डक्ट, तो इसने क्या बनाया, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कहां पर खुल रहा है, ये फूला हुआ जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक, मेजर डियोडिनल पैपिला, तो डियोडिनम के अंदर में दो पैपिला हैं, उभार हैं, पहला पैपिला ये मेजर पैपिला और ये छोटा सा जो है ये क्या है, माइनर पैपिला, जिसमें क्या हो रहा है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी आके खुल रहा है। तो ये डायग्राम को और अच्छे से देख लीजिए बड़ा करके, है ना। हाँ, ये जो है बिल्कुल हेरिंग बोन्स की तरह दिखता है, ऐसा कांटे कांटे निकले रहते हैं ना। हाँ देखो, मछली के अंदर का कांटा वैसी टाइप का जो है हेरिंग बोन अपीयरेंस कहलाता है, जिसमें डक्ट क्या कर रहा है, सारे लोब्यूल से कलेक्ट करके मेन डक्ट, ये कहाँ खुला, मेजर पैपुला के अंदर, बड़ा पैपुला जो बीच में क्या हुआ, फूल गया, एम्पुला भाग फूला है, जिसको एम्पुला ऑफ वाटर बोला जाता है। ठीक, बाइल डक्ट दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो देखो ये बाइल डक्ट है, कैसे बना है, तो ये आपका यहां पर एक डक्ट आया था, कौन सा, सिस्टिक डक्ट, ठीक, और कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट कैसे बना, तो ये दो आपके जो है राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर वाला जो है क्या किया, सिस्टिक डक्ट, इन दोनों ने मिलके, हाँ ये बाइल डक्ट है आपका, तो ये क्या किया इसने, कॉमन बाइल डक्ट, ये आके यहां पर जुड़ गया। ठीक, एसेसरी डक्ट दैट इज डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, हेड के नीचे पोर्शन से बड़े वाली जो मेन ग्लैंड, मेन डक्ट है, उसके सामने से क्रॉस करके माइनर पैपुला के अंदर में खुल जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है डक्ट ऑफ बेर्सन और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहलाता है। अब पेनक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करते हैं, तो पेनक्रियास के अंदर में कॉम्पोजिशन क्या है, तो देखिए 99.5% वाटर और 5.5% जो है सिर्फ क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, सॉलिड में वही चीज हमेशा याद रखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में लगभग वही चीजें हैं सारी, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड फॉस्फेट सल्फेट, ऑलमोस्ट सभी में ये आपका जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यही रहेगा। ऑर्गेनिक के अंदर में एंजाइम, एंजाइम में एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला, एक और लिख लेंगे न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, इनको भी डाइजेस्ट किया जाता है। देखो कोई भी सेल खाओगे, प्लांट खाओ, कुछ भी खाओ, सब में तो डीएनए आरएनए होता है ना। हाँ, तो जब खाओगे तो उनके डीएनए आरएनए को कौन डाइजेस्ट करेगा, तो ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लिएजेस एंजाइम जो है क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, जो कहां से सीक्रेट हो रहा है, एंजाइम पेनक्रियाज वगैरह से ही निकलता है। ठीक, दूसरा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है ये बफर वगैरह बनाने का जो काम है आपका यहां पर, ठीक है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन्स वगैरह जो रहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके दूसरे सब्सटेंस है जो पेनक्रियास के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक, प्रोटियोलिटिक एंजाइम के नाम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले, कौन सा, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, हाँ, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम दो हो गए, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक, इलास्टेस और कोलेजिनेस, ये दोनों भी क्या हो गए आपके, दोनों इलास्टिन और कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट करने वाले, तो ये तो प्रोटीन है। ठीक, अब कार्बोक्सी पेप्सिडेज जो है ये क्या है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए है, और न्यूक्लियस जो है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक, तो यहां एक साथ दे दिया है, बट ये न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड के लिए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज सर इसका काम, तो देखो आपने देखा स्टार्च जो है क्या हुआ था, ये टूट के डाइसेक्राइड बनाया था, क्या बनाया था, डाइसेक्राइड वगैरह। ठीक है, तो बचा कुचा स्टार्च, बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है, उसको भी डाइजेस्ट करना है, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके डाइसेक्राइड और बाद में कन्वर्जन का काम करेगा। ठीक, हाँ, अमाइलेज एंजाइम जो क्या कर रहा है, स्टार्च के डाइजेशन करने के लिए, तो पेनक्रियाज में निकलने वाला पेनक्रियाटिक, स्टमक में निकलने वाला गैस्ट्रिक अमाइलेज, ओरल वाला सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, लाइपोलिटिक लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला पेनक्रियाटिक,
लाइपेज जो होता है लिपिड को तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर में। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज फॉस्फोलाइपेज ए बी कॉलीपेज और बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज जो है ये क्या है सारे के सारे लिपिड वाले हैं। लिपिड को डिजॉल्व डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे ये हैं। ठीक, बाइकार्बोनेट का कंटेंट याद रखना है इंपॉर्टेंट है कितना 110 से 150 मिली इक्विवेलेंट आपका पाया जाता है। अब पेनक्रियास का फंक्शन क्या है सर, तो हमने क्या बोला पेनक्रियास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सारी चीज को डाइजेस्ट जो करना है वो कौन कर रहा है पेनक्रियास कर रहा है। ठीक, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहला प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटियोलिटिक जितने भी एंजाइम हैं सब की सब जो है क्या होते हैं ये आपके पेनक्रियास में सीक्रेट होते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट स्टमक के अंदर में हमने देखा है क्या होता है, तो स्टमक के अंदर में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है पेप्सिनोजन। क्या है पेप्सिनोजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है आपका पेप्सिन में HCl की प्रेजेंस में। और मैक्सिमम प्रोटीन को डाइजेस्ट कहां पर कर लिया, हाँ तो मैक्सिमम वहां डाइजेस्ट हो गया तो यहां क्या काम है सर, हाँ तो बचा कुचा प्रोटीन तो है ना उसको भी तो डाइजेस्ट करना है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या है आपका यहां पर जो है एंजाइम सीक्रेट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में जो मेन एंजाइम सीक्रेट होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। क्या है ट्रिप्सिनोजन सीक्रेट होता है, तो जैसा पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम था असक्रिय था ये जो है क्या हुआ एक्टिव कब हुआ एसिड के प्रेजेंस में। सिमिलरली ट्रिप्सिनोजन भी जो सीक्रेट होता है ये कैसा होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ये बेसिक मीडियम में आने के बाद कन्वर्ट होता है किसके अंदर में ट्रिप्सिन के अंदर में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। और ये ट्रिप्सिन जो है क्या करता है फिर बाकी के जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उन सबको क्या करता है एक्टिव करने का, यानी काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी न्यूक्लियस ये सारे के सारे जो है इनएक्टिव फॉर्म में थे इनको एक्टिव करने का काम कौन कर रहा है ट्रिप्सिन कर रहा है। ठीक, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ट्रिप्सिन के द्वारा, दूसरा दूध का दही बनना ये भी किसके द्वारा ट्रिप्सिन के द्वारा, और काइमोट्रिप्सिनोजन का है ना भाई ट्रिप्सिनोजन ये उल्टा लिखा है ना ट्रिप्सिनोजन जो है किसमें हुआ ट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो ये ट्रिप्सिन कर रहा है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे क्या है, मैंने बोला काइमो ट्रिप्सिनोजन, ठीक हाँ नोजन लिख देता हूं समझ जाइएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये क्या है ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, किसमें काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ किसके प्रेजेंस में ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, किसके ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में ये आपका काइमोट्रिप्सिन में एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, दूसरा दूध का दही कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसीलिए बच्चे जब तुरंत करते हैं तो तब तो सर पहुंचा ही नहीं ना, हमने क्या बोला हाँ स्टमक जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर तो आने नहीं दे रहा ना, तो जो पेट में आपका क्या हुआ एसिड के प्रेजेंस में जो है वो भी कर्डलिंग हुआ दूध फट गया है, तो दही जो निकाल रहा है ना आपका फटा नहीं, यानी कि जो गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है वो क्या होता है वो आपका एसिड की वजह से था। हाँ इंटेस्टाइन में जो हो रहा है क्या हो रहा है यहां कर्डलिंग जो है दही बनने का काम ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। काइमोट्रिप्सिन का क्या काम है, तो ये भी प्रोटीन जो है आपका डाइजेस्ट करना है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट, यानी कि दही बनाया दही बनाने के बाद काइमोट्रिप्सिन उसको क्या करेगा डाइजेस्ट करने का काम। तो रेनिन हमने बात की थी, रेनिन जो है बच्चों वगैरह में होता है, बड़ों में जो है ये काइमोट्रिप्सिन जो है ये क्या कर रहा है ये डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है दूध को। ठीक, कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है ये क्या करता है, तो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज पेप्टिडेज यानी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक, तो ये टर्मिनल बॉन्ड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, टर्मिनल बॉन्ड मतलब कि आपका लास्ट में जो है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करने का काम कौन कर रहा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए ये जो है प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाता है, क्या कर रहा है प्रोटीन से अमीनो एसिड। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अमीनो एसिड ये आपस में मिल मिल के क्या करता है बहुत सारे अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाया, और इसी पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं। तो इस पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए कर रहा है।
ठीक। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इलास्टेज, इलास्टिक फाइबर, सब प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक। कोलेजिनेज, कोलेजन फाइबर को जो है डाइजेस्ट करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये सारे के सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग अलग चीज तोड़ रही है। इन सब में लास्ट पार्ट कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला हो गया अपने प्रोटीन का डाइजेशन, दूसरा हमने क्या बोला, ये कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट में अमाइलेज होता है ना, अमाइलेज जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए रहता है, तो पेनक्रियास के अंदर पाया जाने वाला अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करेगा, ठीक। ये जो है स्टार्च को डेक्सट्रीन और माल्टोज में बताया ना डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करने का काम यहां पर है। अभी भी यहां पर जो है प्रोटीन तो पूरा टूट जा रहा है अमीनो एसिड वगैरह में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड बनाया है, ठीक है। फैट भी जो है अभी यहां पर पूरा का पूरा ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक। यहां पर लिपिड की बात करते हैं, तो लिपिड के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है आपको इनको क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज कर रहा है, ठीक। ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या होता है, तो अगर आपने देखा होगा ये क्या है, OH, 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 ठीक है, ये कार्बन कार्बन है, तो ये ट्राइग्लिसरॉल हुआ। इस ग्लिसरॉल में क्या होता है, यहां पर फैटी एसिड वन, तो ये क्या हो जाएगा मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड जुड़ गए F2, तो ये डाइग्लिसराइड, तीसरा फैटी एसिड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड में से क्या करता है, ये इसको दो फैटी एसिड को निकाल दिया, ठीक है, दो फैटी एसिड को निकाल दिया, और दो फैटी एसिड निकलने के बाद जो है आपका क्या बच रहा है, तो ये मोनोग्लिसराइड बच रहा है। क्या हो रहा है, तो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड को अलग करने का काम कर रहा है, ठीक। दूसरा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, तो ये जो है क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। जैसे ये है ना ग्लिसरॉल, वैसे कोलेस्ट्रॉल में भी क्या होता है, ये आपका फैटी एसिड का COOH ग्रुप और यहां पर कोलेस्ट्रॉल का OH ग्रुप, ये दोनों क्या करते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो इसको तोड़ने का काम क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम कर रहा है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलाइपेज, तो सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो इस फॉस्फोलिपिड के डाइजेशन करने में कौन मदद कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज ए। ये क्या करता है, ये इसको डाइजेस्ट करके लेसिथिन और सिफेलिन में कन्वर्ट करता है। फॉस्फोलिपिड को किसमें, लेसिथिन एंड सिफेलिन के अंदर कन्वर्ट करना। लाइपेज भी ये लाइजोफॉस्फोलिपिड को क्या कर रहा है, फॉस्फोरिल कोलिन और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। दोनों में अलग है, दोनों को साथ में ही देखिएगा, क्या फॉस्फोलाइपेज ए फॉस्फोलिपिड जो आपका पाया जाता है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये लैक्टिन्स लेसिथिन और आपका सिफेलिन के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या है, लेसिथिन और सिफेलिन है, हाँ, लेस में ये जो है ए जो है क्या कर रहा है, लेस में कन्वर्ट कर रहा है, लेसिथिन एंड सिफेलिन में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि बी जो है ये क्या कर रहा है, बी आपका फॉस्फोरिल कोलिन और फ्री फैटी एसिड में, कौन से, तो ये फॉस्फोलिपिड को करता है, ये लाइजो फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बी में एक एक्स्ट्रा ग्रुप कौन सा जुड़ गया, लाइसो ग्रुप फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ा, इसीलिए इसने फॉस्फोरिल कोलिन और फ्री फैटी एसिड अलग से फॉर्म किया। कोलीलाइपेज, तो ये क्या करता है, इट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कोलीलाइपेज, यानी ये मिल के इसके साथ क्या कर रहा है, और ज्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। तो हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ रहा है, किसमें, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड। दूसरा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज क्या कर रहा है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को फ्री कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में
कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में तोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि यही दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहे थे। फॉस्फोलाइपेसेस फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फोलाइपेस भी लाइसोफॉस्फोलिपिड को, ये लेस LECE, हाँ तो ये लेसिथिन एंड सिफेलिन में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि ये फ्री फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिल कोलिन में कन्वर्ट कर रहा है। कोलीलाइपेस पेनक्रियाटिक लाइपेस के फंक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक, तो पेनक्रियाटिक के एंजाइम्स ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज, कोलाजिनेस, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल इस्टर, लाइपेज 1-2, कोलिपेज, बाइल सॉल्ट, एक्टिवेटेड लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अमाइलेज स्टार्च को डेक्सट्रिन और माल्टोज में कर रहा था। ठीक, ट्रिप्सिन जो है ये जो है क्या करते हैं, तो ट्रिप्सिन एंटीरोकाइनेज और ट्रिप्सिन को क्या है, एक्टिवेटर, यानी कि ये जो एंटीरोकाइनेज और ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिनोजन काम करेगा और ये क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटीओज और पॉलीपेप्टाइड में। ठीक, प्रोटीओज और यही है डाईपेप्टाइड और थोड़े छोटे छोटे जो है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, अभी भी कंप्लीट ब्रेक नहीं किया ट्रिप्सिन ने। काइमोट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ही तोड़ रहा है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है ये क्या कर रहा है, अब अमीनो एसिड बना रहा है, यानी कि ये जो डाईसेक्राइड वाले को इनको तोड़ तोड़ के बहुत सारे अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक, इन सब को एक्टिवेट करने का काम कौन है, ट्रिप्सिन का है। बोला था ना हमने, क्या बोला था, ट्रिप्सिन जो है इनको एक्टिवेट करता है, तो ये ट्रिप्सिनोजन को एंटीरोकाइनेज और ट्रिप्सिन दोनों करते। ठीक है, याद रखिए एंटीरोकाइनेज सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एंटीरोकाइनेज करता है। ये बेसिक मीडियम में एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बनाएगा और ये ट्रिप्सिन फिर क्या करता है, ये सभी को बाद में कन्वर्ट करेगा एक्टिव एंजाइम में। काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज, तो ये सारे के सारे वही है, कोलेजन को अमीनो एसिड में, इलास्टिन को अमीनो एसिड में, ठीक, न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को मोनो न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो शुगर, शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट प्लस आपका एक नाइट्रोजन बेस, तीनों को मिला के मोनो न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या कर रहा है, इनको मोनो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ रहा है। ठीक, पेनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड का बताया, कोलेस्ट्रेस, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज है लाइसोफॉस्फोलिपिड, ठीक है, हाँ ये जो है फॉस्फोलिपिड गलत लिखा गया है, ये लाइसोफॉस्फोलिपिड में नहीं कर रहा है, हाँ जी फॉस्फोलाइपेज जो है क्या कर रहा है, लेसिथिन, हाँ और दूसरा क्या था, सिफेलिन, ठीक है, हाँ तो लेस है ना LECE, तो लेसिथिन एंड सिफेलिन में जो है क्या कर रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। फॉस्फोलाइपेज बी को ये लाइसो फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है फॉस्फोरिल कोलिन एंड फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, कोलीलाइपेज है ये इसके एक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, किसके, पेनक्रियाटिक लाइपेज के, ये इसके जो है एक्शन को फैसिलिटेट करता है। बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज, बाइल सॉल्ट जो है इससे हो रहा है, ये फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और ट्राइग्लिसरॉल तीनों पे काम करेगा और तीनों को जैसे यहां पर ब्रेक हुआ सेम वैसे यहां पर भी तोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, है ना, ये भी गलत हो गया है, ये फॉस्फोलिपिड का जो है ना ये सेम वही है, लेसिथिन एंड सिफेलिन जो है ये आपका दोनों काम करता है। ठीक, चलिए पेनक्रियास का डिसऑर्डर लास्ट में अब देखते हैं, पेनक्रियास में क्या हो सकता है डिसऑर्डर भाई, तो भाई ये डक्ट है, तो डक्ट में कोई पत्थर आ जाए तो पथरी हो जाएगा, है ना, तो ये पथरी जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका स्टेटोरिया कहलाता है, जहां पर क्या है। ठीक, चलो तो पहला तो पेनक्रिएटाइटिस यानी पेनक्रियास का इंफ्लामेशन हो जाना या इंफ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एसिनाई जो आपका मेन डक्ट जो है बना रहे थे, तो ये इनमें सूजन आ जाती है, वो क्या कहलाता है, पेनक्रिएटाइटिस। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने वालों की वजह या फिर अंदर में स्टोन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, पेनक्रियाटाइटिस के हाँ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो पेनक्रियाज ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तो निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है,
जिसकी वजह से आजू बाजू चोट लग रही है और ये इन्फ्लामेशन जो है आपका यहाँ पर लाल हो जाना, ठीक है, इन्फ्लामेटरी साइंस देखने को मिलता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। दूसरा जो है स्टेटोरिया जो है ये क्या है, तो ये इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ बल्की फाउल स्मेलिंग फॉर द क्ले कलर्ड स्टूल, ठीक है, एकदम जो है आपका मिट्टी के जैसा जो है बहुत ही गंदगी, हाँ बहुत ही बल्क में और अजीब सी बदबू वाला जो है ये क्या हो रहा है, यह आपका जो है मल बनता है, पॉटी जो होती है ये ऐसी बन जाती है, ठीक, हाँ ये जो है यहां पर फैट बहुत ज्यादा क्या होता है पाया जाता है, अनडाइजेस्टेड फैट होता है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है स्टेटोरिया की वजह से क्या हुआ है आपका यहां पर फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, फैट टूट ही नहीं रहा है तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो इसकी वजह से क्या है यहां पर पेनक्रियाटिक लाइपेस की कमी, ठीक, लीवर में डिजीज होने की वजह से, सीलियक डिजीज होने की वजह से या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से जो है क्या होता है ये स्टेटोरिया जो है यहां पर पाया जाता है, ठीक है, तो ये है पेनक्रियास के रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स। आगे चल के कुछ पेनक्रियाटिक कैंसर भी है, लंबे समय तक जो है पेनक्रियास में चोट लगेगी तो ये क्या हो सकता है आपका कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक, तो ये जो है पेनक्रियास के रिलेटेड सारे चीजों को हमने कवर किया। इंपॉर्टेंट जो है आपका एंजाइम पोर्शन वाला है, वो यही पोर्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन के बहुत सारा आता है। याद रखने वाला एंटीरोकाइनेज जिसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन किया और ट्रिप्सिन ने फिर बाकी सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को किया, ठीक, पेनक्रियाटिक लाइपेस और ईस्टर वाला जो है ये एल्कलाइन मीडियम से हो रहा है, बाकी सबको एक्टिवेट करने वाला कौन है, ये आपका ट्रिप्सिन होता है, ठीक, चलिए।